हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा फूल बनाना सिखाऊंगी जिसको हम अलग अलग जगह डेकोरेशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये जैसे मैंने यहाँ पे एक डेकोरेशन के लिए कैप पर ये फूल लगाया है, वो डिफरेंट टाइप का फूल है, आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से हम एक सिंपल सा और सुंदर सा इजी फ्लावर बनाना सीखते हैं जिसके हम बाद में बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो पहले पहले स्लिप नॉट, जो स्टार्टिंग एंड है उसको अपनी उंगली के ऐसे पीछे से लेके आएंगे और अपने इसमें आगे रख देंगे। फिर ये वाला इसके ऊपर, ये वाले जो वूल है इसको पीछे लेके जाएंगे और फिर इस पीछे वाले वूल को ऐसे आगे उतार लेंगे और इसके अंदर। उसके बाद हम 6 और 7, आपकी विश है, चेन्स डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद हम स्लिप स्टिच लगाएंगे जो कि इस वाले भी स्टिच से पीछे जाके इस वूल को लेके आके और आगे डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चेन, 3 चेन डालेंगे, 1 2 3 चेन और 2 डबल क्रोशे इसके बाद इस होल में, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। सफाई से काम हो इसके लिए हम इस वूल को इसके अंदर साथ साथ घुमाते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे, तीन चेन्स, 1 2 3 और इसमें ही स्लिप स्टिच। फिर सेम प्रोसेस, 3 डबल क्रोशे, 3 चेन्स, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे, 3 चेन्स, 1 2 3 स्लिप स्टिच। देखिए बटरफ्लाई जैसा भी लग रहा है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 1 2 3 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन रिवर्स, 2 डबल क्रोशे और 3 चेन। वैसे तो आप इसके अंदर, अगर यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 7 चेन इसलिए डाल के दिखाया है कि आपको समझ आ जाए क्लियरली और कंजस्टेड ना हो, लेकिन इसके अंदर अगर आप 5 चेन डालेंगे और कंजस्टेड होगा लेकिन फूल बहुत सुंदर बन के आएगा। 3 चेन्स, 1 2 3 स्लिप स्टिच, 1 2 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन। देखें इसमें भी कितना कंजेशन हो रहा है। ये तो कुछ भी कंजेशन नहीं है, जब आप 3 चेन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा। बट मैं फिर कह रही हूँ, 5 चेन में, 6 चेन में कंजेशन बहुत होगा और फूल बहुत सुंदर बन के आएगा। कम चेन्स डालना आप। तीन चेन्स जो स्टार्ट में हम बनाते हैं ना, चेन्स जो मैंने 7 डाली थी, आप 4 5 या 6 5 या 6 डालें तो ठीक रहेगा। और इसको हम यहाँ से कर देंगे बंद। देखें तो सुंदर सा फूल बन के आया है, बहुत सुंदर फूल। इसको अगर आप टाइट बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। आपको अगर दिल है तो आप और इस तरीके से 2 बना लो, 1 2 3 4 5
साइड का फूल बना लो, ये चार साइड का है, यहाँ जो मैंने लगाया हुआ है ये तीन साइड का है। तो ऐसे किसी भी चीज़ में आप डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। और ये तो खैर बहुत बड़ा है, बड़ी कैप के ऊपर ही अच्छा लगेगा। अलग अलग तरीके के फूल बना के और ऐसे लगाएं, कितनी सुंदर कैप लगेगी आपकी। कैप की वीडियो भी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिंड कमेंट में उसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। आप बनाएं और ट्राई करें, कितना सुंदर है। ऐसे ये चोंच निकल के आ रही है इस हर साइड की। बनाएं अलग अलग तरीके की फ्लावर और डेकोरेट करें अपने प्रोजेक्ट्स क्रोशे के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। कीप ट्राइंग क्रोशेट।